Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाश और मैं हूं अनम काजमी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। जी हाँ, बेअसर हो गए सब हुर्फे नवा तेरे बाद, क्या कहें कि दिल का क्या अहवाल हुआ तेरे बाद। तू भी देखे तो जरा पहचान ना पाए, ऐसी बदली फिजा तेरे बाद। और तू क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब संभाला ना गया तेरे बाद। आज है 11 सितंबर और हम बात करेंगे बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, जिनकी 69वीं बरसी मनाई जा रही है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए जो ख्वाब देखा, जो सोचा और वो जैसा पाकिस्तान चाहते थे, क्या हमारा पाकिस्तान वैसा ही है, क्या हम कायदे आजम के फरमानों पर इसी तरह अमल कर रहे हैं, इस हवाले से आज हम न्यूज शो में बात करेंगे। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान की बात हो और बानी पाकिस्तान का जिक्र ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। आज का दिन वो दिन है जब हमारे कायदे आजम मुसलमानों को आजादी का तोहफा देकर एक ही साल बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले। और जब हर बार हम कहते हैं कायदे आजम, तो कायदे आजम ये एक लफ्ज नहीं है, ये एक लकब नहीं है, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के नाम की पहचान है, जिसके बानी है सबसे अजीम रहनुमा। और आज तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हमारे कायद जैसा लीडर ना तो कभी था ना ही कभी आएगा, क्योंकि जिस तरह बाबाए कौम ने अपने विजन को हकीकी रूप दिया, इस तरह शायद ही कोई लीडर अपनी बात को आज तक पूरा कर सका है। और इसका सबूत मेरा ख्याल हमारे मुल्क के आज के मौजूदा हालात हैं। जी हाँ बिल्कुल, साथ साथ आज का दिन दुनिया भर में 9/11 के नाम से जाना जाता है। इस दिन न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी का बड़ा वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। चार तैयारों के साथ प्लान किए गए इस वाकये की जिम्मेदारी अलकायदा ने कबूल की और अमरीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ बाकायदा ऑपरेशन का ऐलान किया, जिसका गहरा असर पाकिस्तान और की मईशत पर हुआ। इस सब पर हम शो में बात करेंगे। साथ साथ 2001 से लेकर अब तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में क्या तब्दीलियां रोनुमा हुई, और इसके अलावा हम जानेंगे कराची यूनिवर्सिटी में तलबा के तहफात के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि दहशतगर्दी के वाकयात पर इनका क्या कहना है। बिल्कुल, और साथ साथ जिक्र करेंगे कराची में पेश आने अफसोस वाकये के हवाले से, जिसने बहुत सी जाने निकलनी है। एक के बाद एक लहरों के जद में बहती हुई मासूम जाने बहुत से सवाल खड़े कर गई है, जिन पर आज के शो में हम बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। दुनिया को हिला कर रख देने वाले वाकये 9/11 को आज 16 साल हो गए, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी। दुनिया इस नासूर से कब छुटकारा हासिल करेगी। इंतजामिया की गफलत या डूबने वालों की गलती, कराची के साहिल हॉक्स बे पर बेरहम लहरों ने एक ही खानदान के 12 अफराद को निगल लिया। इंतजामिया कब होश में आएगी। एक स्टूडेंट की वजह से आप पूरे यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं दे सकते। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को जो है ना अपनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म ठीक करनी चाहिए। ये जो स्टेप है इसमें सिर्फ पुलिस वालों की कमाई होगी। जामे कराची के एक साबिक तालिब इल्म के दहशतगर्दी में मुलविस होने पर पूरी यूनिवर्सिटी निशाने पर क्यों, सिक्योरिटी के नाम पर स्टूडेंट्स को परेशान करने से क्या मसला हल होगा। और बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आज 69वीं बरसी, क्या हम बाबाए कौम की ख्वाहिश और ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान को एक फलाही मुमलिकत बनाने में कामयाब हो गए। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज के अखबारात की हेडलाइंस पर।
जी जनाब, आज की हेडलाइंस क्या कह रहे हैं? और आज की जो हेडलाइंस है वो इस्लामाबाद अवामी मरकज़ की इमारत के हवाले से हैं। वफाकी टैक्स मुतसिब का रिकॉर्ड तबाह। कल हमने देखा कि ये खबर हमारे सामने आती रही कि इस्लामाबाद का रेड जोन का एरिया है, इस्लामाबाद का रेड जोन का एक मरकज़ है जिसमें आग भड़क उठी और रेस्क्यू एहलकार और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ़ रहे, जिसमें कहा गया कि जी वो जो वफाकी मुतसिब का जो एक पूरा एक डेटा है वो शायद जल गया है, लेकिन फिर उसकी तरदीद भी आई और इसी हवाले से हम गाहे बगाहे आपको अपडेट भी करते रहे। तो इस खबर को जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया। बिल्कुल जनाब, ये सेम खबर एक्सप्रेस रोजनामा में भी है और एक्सप्रेस में इस खबर के हवाले से बताया गया कि सुबह 7 बजे से ग्राउंड फ्लोर पर जो है ये आग लगी थी, जिसके बाद शाम तक पूरी की पूरी इमारत जो है 5 मंजिलों को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से 2 मुलाजिम जो है वो इस वक्त जान भाग भी हुए हैं, लेकिन तमाम तर जो दफातर हैं वो भी इस वक्त हमने देखा कि आग की नज़र हो चुके हैं और काफ़ी खौफनाक किस्म की आतिशबाजी थी ये। और इसी हवाले से यहाँ एक्सप्रेस उद्दामा ने ये खबर लगाई है। लेकिन अगर आज की हम मेन खबर की बात करें तो आपको बताएं कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस का के हवाले से जो खबर है वो आज इसको मेन हेडलाइन बनाया गया है कि अक़वामे मुत्तहिदा रोहिंग्या मुसलमानों पर मुजालिम की तहकीकात करें। काज़ाख़स्तान के दारुल हुकूमत अस्ताना में मुनक़्क़िदा इस्लामी ताबुन तंजीम ने अक़वामे मुत्तहिदा से कहा है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों पर मुजालिम की तहकीकात करें। एक वक्त था कि हम देख रहे थे कि इस मामले के ऊपर बहुत तवील खामोशी इख्तियार की गई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव, हर सड़क पर, हर गली में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। और कल हम देख रहे थे कि जमात इस्लामी की जानिब से भी हमने देखा कि एक रैली निकाली गई, उन्होंने भी बहुत से मुतालबात सामने रखे। उनका तो ये भी कहना है कि हमें म्यांमार के साथ किसी किस्म के कोई सिफारती, कोई तजारती ताल्लुक नहीं रखने, तो इन तमाम ताल्लुक को ख़त्म किया जाए और वहाँ के लोगों को शहरियत भी दी जाए, उन लोगों को इंसाफ दिया जाए और इसके लिए हुकूमत जो है वो अपनी खामोशी को तोड़े और कोई मौसर इकदाम करे। अच्छा, अगर डॉन की बात की जाए और जंग की बात की जाए तो आज दोनों ही अखबारों में रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से खबर है, जबकि पाकिस्तान में भी कई जगह उनसे एहतजाज के लिए, उनके साथ में इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं। और उसके अलावा अगर दूसरी खबर में शामिल करूँ जो कि डॉन और जंग का हिस्सा रही है, वो वजीर जो हमारे खारजा हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी सरबराही में वफद आज सुबह रवाना हुआ है और वह ईरान पहुँचे हैं, जहाँ पर वह नई अफगान पॉलिसी के हवाले से जो है वो बातचीत करेंगे। और अगर दूसरी खबर शामिल की जाए तो ये एक अच्छी खबर है और ये वर्ल्ड 11 के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से एक खबर है कि जी वर्ल्ड 11 की टीम जो है वो आ गई है और पूरी सिक्योरिटी के साथ उनको जो है वो पाकिस्तान में वेलकम किया गया है। और इस वेलकम में चेयरमैन पीसीबी और वजीर खेल ने टीम के खिलाड़ियों का बाकायदा तौर पर इस्तकबाल भी किया है, जबकि लाहौर एयरपोर्ट से होटल तक सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। और कौमी क्रिकेट टीम और वर्ल्ड 11 के दरमियान जो T20 मैचेज हैं उनमें 3 सीरीज खेली जाएगी और 13 तारीख, 12 और 15 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये मैचेज खेले जाएंगे। जनाब 3 तारीखें बताई हुई हैं और इस वक्त एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं कि आवाम में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैचेस का आगाज होने जा रहा है और जब भी कभी मैच होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई ईद का समय होने जा रहा है और आवाम काफी ज्यादा एक्साइटेड है मैचेस के लिए। लेकिन सवाल तो अपनी जगह के सिर्फ लाहौर में ही क्यों ये मैच हो रहे हैं? और ये शिकवा मेरा भी है क्योंकि हम लोग आजकल कराची में और हम चाहते हैं कि जनाब कराची में भी कोई मैच हो, लेकिन यहाँ के स्टेडियम के हालात कुछ ऐसे नहीं है। बल आगे बढ़ते हैं जनाब और एक्सप्रेस रोजनामा की कुछ और हेडलाइंस भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि साथियों का भी बड़ा शदीद एहतजाज चल रहा है और कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त सहाफत, आजादी सहाफत पर जो है वो कतल लगाने की कोशिश कर रही है, तो प्रिंट मीडिया का गला घोंटने पर तमाम तर सहाफियों ने जो है वो शदीद एहतजाज किया। इस हवाले से यहाँ पर एक और खबर मेंशन की गई है। साथ ही साथ अगर कुछ छोटी खबरें आपके साथ शेयर करें तो वो यहाँ पर मेंशन है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन लंदन रवाना हो चुके हैं। बहुत सी सियासी देख रहे हैं कि घूम घूम के किसी ना किसी तरह लंदन जा रहे हैं, कभी कोई वहां से आ रहे हैं और कभी कोई वहां पर जा रहे हैं। मेरा कि एक हमें ऑफिस और एक दफ्तर जो है ना वहाँ पे बाकायदा तौर पर अपना हमारे सियासतदानों के लिए वहाँ पे खोल लेना चाहिए, क्योंकि उनका कुछ बहुत ही ज्यादा आना जाना वहाँ पर लगा रहा है। बिल्कुल, एक टाइम आएगा कि लंदन में मेन मरकज ऑफिस हुआ करेंगे। ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और आप अखबारों में डेफिनेटली अगर मौसम के हवाले से बात करें तो समंदरी तूफान इरमा बिल्कुल अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया है, मियामी में तबाही मचाई है, सड़कें पानी में डूब रही हैं, लोग इंतहाई से ज्यादा परेशान हैं, 3 अफराद हलाक हो चुके हैं, 6 लाख अफराद जो हैं वो बिजली से महरूम है, तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है, जबकि तूफान की कवरेज करने वाली मीडिया टीम को जो है वो हवा ने भी उड़ा कर रख दिया है। मतलब इतना शदीद तूफान है वहाँ पर कि जो मीडिया टीम कवरेज के लिए गई है वो भी कवरेज नहीं कर पा रही है तेज हवाओं के बारिश। बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि अब इसके बाद किसी भी तूफान का नाम इरमा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इरमा को इतना सख्त जो ये तूफान आया है, ये समुद्री तूफान काफी ज्यादा इसने जो है वो अमरीका को हिलाकर भी रख दिया है और इस तरह के तूफान जो है वो हार्डली अमरीका की तारीख में इस तरह के तूफान आए हैं, तो डेफिनेटली बहुत से नुकसान भी हो रहे हैं और लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी। एक तरफ तो ये नकल
नकल मकानी हो रही है, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि रोहंग्या मुसलमान जो है वो भी अपनी नकल मकानी कर रहे हैं और तकरीबन लाखों की तादाद में, मेरा ख्याल है 3 लाख से भी ज्यादा अब जो है वो तादाद हो चुकी है जिन लोगों ने नकल मकानी की और वो लोग बांग्लादेश की तरफ गए हैं। तो जनाब ये तो थी अखबारों में आज क्या क्या खबरें थी, अब मुख्तलिफ शहरों का मेरा ख्याल रुख करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं यासिन नजर, उनसे जानते हैं कि आज इस्लामाबाद में क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी नासिर हमें अपडेट करेंगे, जी नासिर अपडेट कीजिए। इस्लामाबाद में आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस हैं, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्टी फंडिंग केस है, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो एक केस है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के हवाले से एक केस लगा हुआ है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज उसकी समाप्त होनी है। इसके अलावा एक्टिविटी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अलावा फिर पार्लियामेंट के अंदर भी सेशंस हैं, आज कौमी असम्बली का इजलास भी होना है और मुल्क की मजमूई जो इक्तसादी सूरत हाल है और जो इस्लामी सूरत हाल है उसके हवाले से भी आज कौमी असम्बली में बात होगी। उसके अलावा सेनेट का इजलास भी है और मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ जो आज ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी बात होगी और इंटीरियर के हवाले से भी आज जो कुछ कमेटियाँ हैं वो पार्लियामेंट में उनके सेशंस होने हैं। जी ठीक है, और अब रुख करते हैं हम लाहौर का और जानेंगे आपके नुमाइंदा हुआ बट से कि आज शहर में क्या सियासी समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं और खेलों की क्या खबरें हैं। जी हुआ बट गुड मॉर्निंग, आज लाहौर वाले तो बड़े खुश होंगे, टीम पहुंच गई है। गुड मॉर्निंग, आज बिल्कुल लाहौर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं, सिर्फ लाहौर वाले नहीं बल्कि क्रिकेट शायकीन जहां पर भी बिल्कुल बेहद खुश हैं और इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि 12, 13 और 15 सितंबर को T20 मैचेस जो हैं वो देखे जाएं, क्योंकि T20 मैचेस में हर लम्हा ही न्यू हैपनिंग हो रही होती है और उसको देखने के लिए हर कोई ही बेताब रहता है। और वर्ल्ड 11 यहाँ पर पहुँच चुकी है तो वर्ल्ड 11 के लिए मकामी होटल में आज यहाँ पर जो आज आते हुए जो इस्तकबाल की तैयारियाँ थी वो भी भरपूर की गई और इसके साथ साथ मॉल रोड जो है वहाँ पर हैर मकदमी बैनर्स भी लगा दिए गए हैं और पोस्टर्स भी लगे हुए हैं इस वक्त, और इसके साथ साथ जो होटल जहाँ पर ठहरे हुए हैं वहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी मकाम PCB हुकाम की तरफ से। और इसके अलावा अगर सिक्योरिटी के इंतजाम के बारे में बात करें तो कल भी एक फुल ड्रेस रिहर्सल की गई थी जो कि कजाफी स्टेडियम से लेकर मकामी होटल तक थी, जो कि तमाम मैचेस के दौरान लेकर जाने की तमाम रिहर्सल थी वो थी। और आज अगर हम लोग देखें तो आज भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, बल्कि एक रोड जो है जिस मकामी होटल में वर्ल्ड 11 ठहराई गई है वहाँ की एक रोड जो है वो इस वक्त बंद भी कर दी गई है। और अगर इसके अलावा की सरगर्मियाँ देखें, क्योंकि ये तो हैपनिंग है जो खेलों की, लेकिन अगर इसके अलावा सरगर्मियाँ देखी जाए सियासी सरगर्मियाँ तो उसमें है आज जमात इस्लामी की तरफ से एहतजाब मार्च का ऐलान किया गया है। तो दाता दरबार से आज सराजुल हक जो है वो इस मार्च का आगाज़ करेंगे पिंडी की तरफ। और इसके अलावा मेन इवेंट जो हम लोग कह सकते हैं NA 120 को हम लोग नहीं भूलते, क्योंकि NA 120 इस वक्त बड़ी एक नशिस्त है जिसके लिए हर सियासी पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है। लाहौर में मेरे ख्याल कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ हो रही हैं, 20 के इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा खबरें मौसूल हो रही हैं वहाँ पर तमाम, आप जानते हैं कि इस वक्त तैयारियाँ चल रही हैं ज़िमनी इंतखाबात की और जो उसके उम्मीदवार हैं वो भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त अपनी इस कंपेन में जो है वो काफ़ी बिजी हैं। तो लाहौर की एक्टिविटीज़ के हवाले से हुमा बट ने हमें अपडेट किया, हुमा बट आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, वापस आएंगे और बहुत सी बातें, बहुत सी खबरें, बहुत सी स्टोरीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब आज की टॉप स्टोरी साथ में जान ली है, इस वक्त अखबारात में आज कौन कौन से मौजूदात जेरे बहस हैं, कौन कौन से अहम इश्यूज पर बातचीत की जा रही है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है अनवार हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। जी अनवार हाशमी साहब, आपकी आवाज हमें जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन के साथ आ रही है, तो काइंडली रिपीट कीजिएगा। आपकी आवाज अभी इन नहीं जी। अच्छा अनवार हाशमी साहब, हम लोग पूछ रहे थे कि क्या कौन से मौजू आज जेरे बहस हैं अखबारात में। जी बिल्कुल, आज अखबारात में जो सबसे मेन चीज है वो बानी पाकिस्तान कैद आजम मोहम्मद अली जना की 69th डेथ एनिवर्सरी के हवाले से खसूसी एडिशन शाये किए गए हैं। तमाम उर्दू और अंग्रेजी अखबारात के एडिशन जो है
उसमें बानिए पाकिस्तान की ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखे गए हैं, मुख्तलिफ कॉलम्स लिखे गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि बानिए पाकिस्तान की अगर डेथ एनिवर्सरी हो या उनका यौम पैदाइश हो तो उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। तो ख़ास तौर पर जो अखबारात का जो जाविया है, जो तहरीरों का जो नुक्ता मरकज़ी नुक्ता है, वो यही है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब यौम वफ़ात हो या यौम पैदाइश हो तो उस वक़्त हमें सिर्फ सिलेबस की किताबों तक जो है वो कायदे आज़म का जो एक चैप्टर होता है उस तक महदूद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब कायदे आज़म का विसाल हुआ तो भारत के जो रहनुमा थे उस वक़्त जो कि जद्दोजहद करते रहे थे कायदे आज़म के ख़िलाफ़, ख़ासतौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हवाले से मैं आपको एक कोटेशन पढ़ के सुनाता हूँ, तो उनका कहना था कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आज़ाद होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना होता तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। तो यानी उन्होंने कायदे आज़म की जो जहानत थी उसको उन्होंने भी जो है वो एडमिट किया, तस्लीम किया भारतीय रहनुमाओं ने भी। तो आज का भी जो पाकिस्तान आप देखती हैं अगर उसमें भी कोई कमी नज़र आती है तो यकीनन उन अकवाल पे अमल दरामद की कमी नज़र आती है जो कायदे आज़म एक मुतय्यन करके, एक रास्ता मुतय्यन करके हमें दे के गए थे कि उन्होंने जो रियासत बनाई है उसके असूल और ज़वाबित क्या होने चाहिए। तो ये आज अखबारात के ज्यादातर जो एडिशन है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जी बारे बिल्कुल में सही है। कह रहे हैं हम बिल्कुल बाबाए कौम के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। अनवार हाशमी साहब, आपने यही बात की कि उनके अकवालों पे, उनके फरमानों पे हमें अमल करना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ही करें। अगला इदारिया क्या कह रहा है? जी देखिए, बाकी जो ज़्यादातर लाहौर को फोकस किया गया है कि लाहौर के अंदर जो दो बड़े इवेंट हैं, एक तो इंटरनेशनल इवेंट है उसमें अखबारात के जो इदारती नोट हैं और आर्टिकल्स हैं उसमें फोकस किया गया है कि जैसे वर्ल्ड 11 जो टीम है वो लाहौर पहुंची है, तो उसको अखबारात ने मुख्तलिफ जावियों से लिया है। ख़ास तौर पर ये अब तीसरा मरला है जब पाकिस्तान में कोशिश की गई है बैनुल अक्वामी क्रिकेट की बहाली के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी मुसल्लत थी उन हालात में इंटरनेशनल टीमें नहीं आ रही थी। तो अब जो वर्ल्ड 11 जो लाहौर में पहुंची है तो पूरी दुनिया के जो क्रिकेट शायकीन हैं उनकी नज़रें पाकिस्तान के शहर लाहौर पे हैं, और बड़ी खुशाइंद बात है कि जिम्बाब्वे के बाद और PSL के फाइनल के बाद ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। इस लिहाज से इवेंट है जैसे कि आप कह सकती हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल नहीं हो रही बल्कि बहाल हो गई है, क्योंकि दुनिया की तमाम बड़ी टीमों के नुमाइंदे आप वर्ल्ड 11 में शामिल है जो लाहौर में लैंड कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अगर लाहौर में ये कामयाब इवेंट हो गया तो फिर कराची, पेशावर और क्वेटा में क्रिकेट की बहाली की मंजिल जो है वो दूर नहीं रहेगी। तो अखबारात ने इस एफर्ट्स को, PCB की और हुकूमत की एफर्ट को अप्रिशिएट किया। अनवार साहब, अच्छी बात ये है कि कुछ आज जो आपने मौजूद जिनका जिक्र किया उनमें कोई अच्छी खबर भी जो है वो हमारे लिए थी। डेफिनेटली वर्ल्ड 11 पाकिस्तान पहुंच चुकी है और सबकी जिस वक्त नजर है इस मैच के ऊपर ही है डेफिनेटली, लेकिन अगर लाहौर की ही बात की जाए तो लाहौर में जहाँ पर खेलों की कुछ खबरें सामने आ रही है वहीं पर कुछ सियासी गर्मा गर्मी भी हम देख रहे हैं। NA 120, क्या तैयारियां चल रही है लाहौर में, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अखबारात में बार बार लिखा गया फोकस लाहौर, यानी लाहौर मुख्तलिफ हवालों से फोकस हुआ हुआ है। तो NA 120 जो है उसमें भी उसके इलेक्शन जो 17 सितंबर को होना है उसमें चंद दिन बाकी हैं, तमाम मुल्क की जो सियासी हलके हैं, सियासी तजिया निगार हैं, उनकी नज़रें हल्का NA 120 पे हैं, जहां बेगम कुलसूम नवाज़ और उनकी कंपेन चला रही है उनकी बेटी मरियम नवाज़, और इमरान खान की पार्टी की डॉक्टर यास्मीन राशिद, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के फैसल मीर और बाकी कुछ मजहबी जमातों के और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 40 से ज़ायद हैं जो कि 17 सितंबर को इस मार्के में उतरेंगे। और सबसे बड़ा मार्का जो तजिया किया जा रहा है वो PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगा। आज भी भरपूर एक्टिविटीज़ हैं, तो सियासी हवालों से अखबारात लिखते हैं कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि सियासी मैदान में जो सियासी पार्टियां हैं वो एक जातियात की बजाय अगर वो ज़िमनी इलेक्शन को एक सियासी और जमहूरी अंदाज में लड़ के साबित करें कि कौन सी जमात किस पोजीशन में खड़ी है, तो इस हवाले से जमहूरियत के लिए
और सियासत के मुस्तकबिल के लिए जो एक लाइन सेट करेगा वो NA 120 सेट करेगा, तो इस हवाले से भी अखबारात ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। ठीक है अनवार हाशमी साहब, एडिटोरियल के हवाले से मैं बता रहे थे कि आज कौन कौन से मौसू जेर बहस है, आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं और टॉप स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं कि 11 सितंबर 2001 दुनिया की तारीख का वो अफसोसनाक संगे मील था जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। अमरीका में 4 फिजाई मुसाफिर बरदार हाई जैक करके खुदकुश अंदाज में अमरीकी सरमायादाराना बढ़तरी की अलामत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिए गए, जिसके नतीजे में हजारों अफराद हलाक और कई हजार जख्मी हुए, जिससे पूरी दुनिया में एक खौफ का आलमदारी हो गया। ग्यारह सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर पर दहशतगर्द हमलों को 16 साल बीत चुके हैं। इन हमलों के नतीजे में अमेरिका की जानिब से बगैर किसी सबूत के अफगानिस्तान पर मुसल्लत की गई जंग ने ना सिर्फ खित्ते को अपनी लपेट में लिया बल्कि इसके मनफी असरात पूरी दुनिया पर नजर आने लगे। अफगानिस्तान के पड़ोस में मौजूद होने के बाइस इस जंग से सबसे ज्यादा मुतासर पाकिस्तान हुआ। जंग शुरू होते ही अफगानिस्तान से लाखों पना गुजीनों ने पाकिस्तान हिजरत शुरू कर दी। इन पना गुजीनों के लिए इंतजाम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज था। सिर्फ यही नहीं बल्कि अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में दहशतगर्द भी सरहद उबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हुए, जिससे ये जंग पाकिस्तान के कबाइली इलाकों से होती हुई बड़े शहरों तक पहुंच गई। इस जंग ने पाकिस्तान को मौशी तौर पर बेपनाह नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में खर्च होने लगा, जबकि बैरूनी सरमायाकार भी जंग ज़दा खित्ता होने के बायस मुल्क से जाने लगे। मुल्क में आए दिन होने वाले धमाकों के बायस पाकिस्तान को हजारों लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान ने ये सब कुछ कयाम अमन और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान को पत्थरों के दौर में भेजने की धमकी देने वाला अमरीका पाकिस्तान के इकदाम से न कभी खुश हुआ और न कभी पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। 9/11 और अफगान जंग को आज 16 साल गुजरने के बावजूद भी अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने से बाज नहीं आता। अगर अमेरिका जंग पर उठने वाले खर्चात का 10वां हिस्सा भी अफगानियों की तरक्की पर खर्च करता तो वो इम्कानी तौर पर तालिबान का साथ छोड़ सकते थे। और जनाब 9/11 के बाद हमने देखा कि 16 साल पर मबनी ये एक तवील सिलसिला है जिसमें दुनिया भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें की गई, जिसमें ये सिलसिला तवील से तवील तर हम देख रहे हैं कि अब होता चला जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग मजीद कब तक जारी रहेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है इस वक्त मारूफ दिफाई तजियाकार शहजाद चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया आपने आज ने उसके लिए हमारे लिए वक्त निकाला। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि 9/11 के बाद अफगान जंग को 16 साल हो चुके हैं, लेकिन आज 16 साल गुजर जाने के बाद भी जमीनी हकायक की रोशनी में तजियाकार इस जंग के मुस्तकबिल के बारे में कई सवालात उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? 9/11 के बाद जिस किस्म की जंग अफगानिस्तान में शुरू हुई, पहली बात तो उसकी ये थी, कमजोरी ये थी कि उसके अहदाफ बड़े वाजे नहीं थे। अमेरिका ने गुस्से में आकर 9/11 के जो करने वाले लोग थे जो कि अरब थे, उन अरबों को क्योंकि ममालिक मुख्तलिफ थे, अफगानिस्तान नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया ये सोचते हुए कि अलकायदा के लोग अफगानिस्तान में हैं। अच्छा, और अलकायदा के हेडक्वार्टर का भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था उनको कि आयमन ज़वारी के दरिया उसामा बिन लादेन। तो जब अहदाफ वाजे ना हो तो आप जो भी काम करते हैं उसको तकमील के किसी मरहले पे लेके जाना मुश्किल हो जाता है। पहली वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये बनी कि ये जिस किस्म की जंग में उलझ गए वो उस किस्म की एक रवायती जंग नहीं थी जो कि इससे पहले दुनिया जानती थी, बल्कि ये एक फोर्थ जनरेशन प्लस वॉरफेयर बन गई जिसके अंदर के नॉन स्टेट एक्टर आपका मुखालिफ था और वो अफगानिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे उभरा। उसमें शुरू में अलकायदा ने बड़े शद्दोमद के साथ अमेरिकी अफवाज का मुकाबला किया और उसके बाद फिर वो अफगान तालिबान का रूप धार गया। तो इस किस्म की रिवायती जंग में जबकि आपका मुखालिफ गैर रवायती है, आप रिवायती हैं और आप एक नए कल्चर में चले गए, नए मुल्क में चले गए, नई टेरेन में चले गए, आपको पता नहीं है कि वहाँ के पहाड़ कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के कल्चर कैसा है, और वहाँ पे जाके अपने लिए एक बेस बना के लड़ने की कोशिश को जाहिर है कि लिए आपके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तीसरा सबक जो गालिबन आज अमेरिका सीखेगा और दुनिया ने सीखा इस जंग से कि किसी और जगह पर जाके फोर्थ जनरेशन वॉर लड़ना
बहुत मुश्किल होता है। जिन मुल्कों में मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की मिसाल दी जा सकती है कि पाकिस्तान को भी इसी किस्म की जंग का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान के अपने कल्चर में, अपनी टेरेन में, अपनी जोग्राफिए में अपनी किस्म के लोगों के खिलाफ ये जंग करनी थी। और चूँकि पाकिस्तान ये सब समझता है, जानता है, उस कल्चर को भी जानता है, उस सोच को भी पहचानता है, इसलिए उस सोच का मुकाबला करना उतना ही आसान। शहजाद साहब, क्या समझते हैं आप कि अलकायदा इस वक्त उस काबिल थी कि इतना बड़ा हमला कर सकती थी? और अगर अलकायदा इस सबके पीछे नहीं थी, आप समझते हैं अलकायदा इस काबिल नहीं थी, तो फिर कौन हो सकता है सबके पीछे, किसका हाथ होगा? बड़ी कॉन्स्पिरेसी लंबी थ्योरी है। मेरा ख्याल है कि मैं आमतौर पर, पहली बात तो ये है कि अगर ये झुटलाया जाए, अगर ये झुटला दिया जाए कि अलकायदा ने नहीं किया, और इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि उसको झुटलाया जा सकता हो कि अलकायदा ने नहीं किया, सिर्फ ये सवाल उठा लेने से कि क्या अलकायदा में इतनी हिम्मत थी, इतनी तौफीक थी, इतनी ताकत थी, मेरे ख्याल पैसे का मसला कोई नहीं था। और ये भी मालूम है कि बहुत सारे इन लोगों ने ट्रेनिंग भी ली थी जहाज़ों की, फ्लाइंग की, जो लोग जिन्होंने ये तीन हमले, तीन जगहों पर हमले हुए उसी दिन, एक ही दिन के अंदर, बल्कि चार जहाज़ उस दिन जो थे उनको शामिल किया गया, जिनमें हमें अमेरिका के जो कि मुख्तलिफ जगहों से टकराए। तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर बेशक एक टेक्निकल कॉम्पिटेंस अवेलेबल थी, पैसा बहुत था इनके पास, अलकायदा के पास उस वक्त, उसामा बिन लादेन का अपना पैसा था, लोग देते भी बहुत थे, और ये भी नोन है कि उन पैसों की वजह से ही ये तंजीम इतनी देर तक चली। और उसके जाने के बाद तंजीम जो ढलकी है, जो नीचे की तरफ आई है और उसका नाम थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, उसकी भी वजह यही समझी जाती है कि उसामा बिन लादेन के पास जो उसकी रिसोर्सेज थी वो कम हो गई हैं। तो टेक्निकली पॉसिबल थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऑपरेशनली इतनी बड़ी चीज़ को इस तरीके से सोचना, फिर उसको पाया तक। जी बिल्कुल। अच्छा, 9/11 के बाद से ज़्यादा मुतासर हुआ वो मुल्क अफगानिस्तान है जिस पर जंग मुसल्लत की गई, और इसके बाद पाकिस्तान है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस जंग से किस तरीके से निकलेगा, कोई रास्ता है? जी, पाकिस्तान का जंग से निकलने का रास्ता तो अब पाकिस्तान फाइनली उस जगह पर पहुँचा है। इसमें कोई शक नहीं कि अफगान महाजरीन जब इस अमरीकी हमले के बाद अलकायदा समेत और बहुत सारे वो ग्रुप जो कि उस वक्त अफगानिस्तान में थे उन सब समेत पाकिस्तान में अंदर आ गए, और हमने, हमारे पख्तून भाइयों ने अपने हाथ खोल दिए उनकी मेज़बानी के अंदर, जो कि हमारा ही, हमारे पख्तून भाइयों का और पाकिस्तान का रिवाज है। 40 लाख और 50 लाख कहा जाता है कि अफ़गान महाजरीन इतने सालों में, 40 साल में आए हैं, यहाँ रहे हैं और फिर निकले हैं। आजकल 30 लाख का एक फिगर है जो कि है कि जी 30 लाख के करीब महाजरीन, अफगान महाजरीन आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पिछले 44 साल से हम ये लेके चल रहे हैं अपने साथ 40 साल से। तो मेरा ख्याल है कि ये उसकी वजह से ये जंग हमारे अंदर आ गई है। और अब जो बातें की जाती हैं वो यही की जाती हैं कि जिस किस्म के असरात, चाहे उसमें ड्रग कल्चर था, चाहे क्लाशनकोफ कल्चर था, चाहे बाकी असरात हैं, चाहे दहशतगर्दी है, चाहे इस्लाम का एक वो शाखसाना जिस तरीके से इस्लाम की तशरीह की जा रही है हमारे इलाकों में, ये तमाम चीज़ें उस जंग के, इन एक कंटिन्यूस वॉर जो है इस खत्ते में, उसके असरात हैं। तो बज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, पाकिस्तान भी इन असरात से असरअंदाज हुआ है, और पाकिस्तान को इनको ख़त्म करने के लिए एक मिलिट्री ऑप्शन है जिसको कि हम लेके चले हुए हैं पिछले इतने सालों से, और 2008 से खसूसी तौर पर, और उसके बाद से अब आपने देखा ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन हो रहा है, रद्दुल फसाद जारी है, ज़र्ब अज़्ब हो चुका, खैबर पोर के साथ कुछ काम हमने किया, लेकिन अफगानिस्तान पर हमारा कोई काबू और कंट्रोल नहीं है। अफगानिस्तान अपने तौर पे अगर वो जंग करते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ हैं। और 9/11 अहम वाक़े के ऊपर जो पेशरफ्त हुई है और अब तक ये जंग जो की जा रही है, इस पर तफसीली तौर पर आप बात करते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, आपको बताएं कि अब से कुछ देर कबल जो है गवर्नर सिंह और वजीर आला सिंह ने मज़ार कायद का वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर हाजिरी दी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज बाबाए कौम का यौम वफात मनाया जा रहा है, तो अभी कुछ देर कबल ही जो है वो गवर्नर सिंह और वजीर आला सिंह ने वहाँ पर हाजिरी दी है। ये मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं।
अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मज़ार क़ायद के ये मनाजिर हैं जहाँ पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने हाज़िरी दी है। वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी कहते हैं कि कायद आज़म के जमहूरी उसूलों पर कारबंद है, जबकि तहरीक आज़ादी कायद आज़म की सियासी बसीरत का मुँह बोलता सबूत है। ऐसा कहते हैं शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जबकि साथ साथ उन्होंने कहा कि बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश करने का सबसे बेहतरीन मौका यही है। सियासी शख्सियात मुसल्ला फाश के नुमाइंदे और शहरी आज कायद आज़म के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। दिन भर इस हाज़िरी का ताता बंदा रहेगा और गाहे बगाहे लोग जाकर कायद आज़म के मज़ार पर सलामी पेश करेंगे, हाज़िरी देंगे। अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर ये तकरीब जारी है, किस तरीके से हाज़िरी का ये सिलसिला जारी और सारी है। और जनाब, मुल्क भर में ही हम देख रहे हैं कि आज के दिन के हवाले से जगह जगह पर तकरीबात की जा रही हैं, तो आज न्यूज़ पर आपको बिल्कुल इस हवाले से भी अपडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करते हैं और आपको बताएंगे। तूफान इरमा कई मुल्कों में तबाही फैलाने के बाद फ्लोरिडा पहुंच चुका है, सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और अब तक 3 अफराद जो है वो इसमें हलाक हुए हैं। तूफान यहाँ से गल्फ कोस्ट की तरफ बढ़ेगा और हवाओं की तेज रफ्तार 130 मील फी घंटे की रफ्तार पर ये हवाएं चलेंगी। 20 लाख से ज्यादा घरों और कारोबारी मराकज की बिजली भी इस वक्त मुनक़ता हो चुकी है, जबकि मियामी में इमारत की तामीर के लिए नस्ब क्रेन भी टूट गई है। और हमारे तो तबाही मचाई हुई है यार, मतलब बे इंतहा लोग इस तूफान से मुतासर एक तरफ फरमा, दूसरी तरफ कराची में भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, बहुत ज्यादा लोग लहरों की नजर हो गए हैं। चलें जी, अब आपको बताते हैं मैक्सिको के हवाले से। मैक्सिको में तबाहकुन जलजले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 90 हो गई है। जुमेरात को आने वाले जलजले के बाद आफ्टरशॉक्स का सिलसिला जारी है, इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं और हजारों अफराद खौफ के बायस सड़कों पर रातें बसर करने पर मजबूर हैं। तो एक तरफ जो है वो अरमा है, एक तरफ मैक्सिको है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में 4 लोग बड़ी जबरदस्त मूवीज लेकर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, और इस वक्त आपको बताते हैं गवर्नर सिंध इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये हम सब का फ़र्ज है, जो उनकी तालीमात हैं, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की पाकिस्तान को बनाने में, जो उनकी उम्मीदें थी पाकिस्तान के हवाले से, मेरा ख़्याल है उस पर एक ऐसा दिन होता है कि उस पर गौर करने की ज़रूरत है और वो क्या चीज़ें हैं जो हमने मिस आउट की हैं लास्ट 69 ईयर्स में जब से उनकी डेथ हुई है, और हम वापस उनकी जो ऑब्जेक्टिव थे पाकिस्तान बनाने के उस पर दोबारा से कैसे पूरा उतर सकते हैं। ये हम सब के लिए रिफ्लेक्शन का दिन है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान उनकी उम्मीदों, उनके ख्वाबों के हवाले से जो भी उनके ख्वाब थे उस पर ज़रूर पूरा उतरेगा, और हम सब कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और सिंध ख़ास तौर पर एक अमन का गहवारा बनेगा। बहुत हद तक बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है आवाम को जब तक माशी बेहतरी नहीं मिलेगी तो कायद आज़म का ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। सो हम सब की कोशिश है कि यहाँ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आज आएंगे, सिविल सोसाइटी के लोग आएंगे और होमेज पे करेंगे, और करना भी चाहिए और कायद आज़म को याद करना चाहिए और उनकी तालीमात को याद करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 69th में ही बरसी पे यहाँ हाजिर हुए हैं, गवर्नर साहब पूरी कैबिनेट के साथ उनको खराज अकीदत पेश करने, उनको रिस्पेक्ट पे करने, और यही दुआ है कि इस दिन यही दुआ मांगी कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिखाई हुई तालीमात जो उन्होंने इस मुल्क को जिस तरीके से सोचा था, हमें अल्लाह ताला हिदायत करे और अल्लाह ताला ताकत दे के कायद आज़म ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सोचा था, जहाँ पे अमन व अमान से हर मज़हब वाला रह सके, जहाँ पे लोग अपने रिस्क हलाल कमा सकें और जहाँ पे हमारी फ्यूचर जनरेशन्स अच्छी तालीम हासिल कर सकें और हमारे लोग जो बीमार होते हैं उनको बेहतर
हेल्थ फैसिलिटीज़ मैसर हों, अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम कायद आज़म की सोच का बनाया हुआ पाकिस्तान और हमारे लीडर्स इस बात गुजरे जो उन्होंने हिदायत दी उस पर अमल करके हम पाकिस्तान को और मजबूत और मुस्तहकम बनाएँ। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें कायद अजम के हवाले से उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कायद अजम के अकवाल पर अमल करें, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएं और जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा हम उनके कॉल ऑफ फिक्र पर अमल करेंगे और इसी तरीके से जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और 9/11 के वाले से कुछ बात करते हैं। 9/11 के बाद अफगान जंग में अमेरिका के इत्तेहादी होने ने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया और इसमें सबसे बड़ा नुकसान मुआशी नुकसान है और इसकी लागत अरबों में है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है मारूफ माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हुसैन। बिल्कुल डॉक्टर शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने खत्ते में जंग के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, बहुत से नुकसान भी पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए हैं, लेकिन मौशी तौर पर पाकिस्तान ने क्या क्या नुकसान उठाए हैं, इस हवाले से कुछ बात करते हैं। देखिए, गुज़िश्ता 16 बरसों से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर जो जंग लड़ रहा है वो अमरीकी एजेंडे के मुताबिक है और उसके नतीजे में अब तक पाकिस्तान को $123 बिलियन यानी तकरीबन 10,700 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो 70,000 लोग हमारे जहाँ भाग हुए और कई हज़ार लोग ज़ख्मी और माजूर हुए, तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचा और अमरीका ने पाकिस्तान के ऊपर 400 से ज़्यादा ड्रोन हमले करके हमारी सरहदों की पामाली की, जिसकी वजह से कौम का मोरल गिरा और पाकिस्तान से सरमाए का फरार हुआ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने अफगान जंग के बदले अमेरिका से जो इमदाद ली और ये सारी इमदाद जो ली गई है, क्या ये इमदाद पाकिस्तान को होने वाले मुआशी नुकसान का अजाला करती है या ये कोई घाटे का सौदा है? देखिए, ये जंग न सिर्फ घाटे का और खसारे का बल्कि मैं ये अर्ज करूँगा कि ये तबाही का सौदा रहा, कि जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि $123 बिलियन का नुकसान हुआ और अमेरिका ने जो हमें रकम 15-16 बरसों में दी है वो तकरीबन $30 अरब है, तो एक छोटा सा हिस्सा हमें मिला है और बाकी जो नुकसान है वो पाकिस्तान की मईशत ने और पाकिस्तान के 20 करोड़ अच्छा, आवाम ने उठाया। ये बताइएगा तो, कि इस जंग में अगर हम नुकसान की बात करें, क्यों है कि सिर्फ ये नुकसान पाकिस्तान को उठाने पड़े? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर जंग है इसमें हमारे जो मकासद हैं और अमेरिका के जो मकासद हैं ये मुखालिफ सिमत में हैं। मैं तो 9/11 के फौरन बाद से ये लिख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि अमेरिका खित्ते में अपनी फौजें मुस्तकिल तौर पर रखना चाहता है। अमेरिका अगर उसको मुस्तकिल अफगानिस्तान में रहना है तो फिर उसको तालिबान की ताकत को जो है ख़त्म नहीं करना होगा बल्कि कमज़ोर करना होगा और अफगानिस्तान में खाना जंगी करानी होगी, पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन कराना होगा। तो वो तो ये चाहता है कि ये दहशतगर्दी की जंग चलती रहे ताकि वो खित्ते में रह के अपने मकासद पूरे करें। इसके मुकाबले में पाकिस्तान जो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, हमारा मकसद है दहशतगर्दी का कलाकुमा हो और अल्टीमेटली फॉरेन फोर्सेस यहाँ से चली जाएँ खित्ते से और खित्ते में अमन और खुशहाली का दौर दौरा हो। तो ये मकासद चूँकि अपोज़िट डायरेक्शन में है तो अमरीका ने जो हिकमत अमली अपनाई है उसके नतीजे में पाकिस्तान गैर मुस्तहकम भी हो रहा है, पाकिस्तान के नुकसान भी हो रहे हैं और चूंकि अफगानिस्तान से जहां अमेरिका का कब्ज़ा है भारत और दूसरे जो एजेंट्स हैं वो असला भी भेज रहे हैं, दहशतगर्द भी भेज रहे हैं, डॉलर्स भी आ रहे हैं, तो उससे दहशतगर्दी को हवा मिल रही है। अगर ये पैसे वहां से और असला नहीं आता तो पाकिस्तान की अफवाज मेरे ख्याल से चंद माह में दहशतगर्दी की जंग ख़त्म कर चुकी होती, लेकिन इन हालात में चूँकि मकासद यकसा नहीं है और अमरीका दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है और इस जंग को जीतने में दिलचस्पी नहीं रखता बल्कि अपने खित्ते में अपने क्याम को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो मकासद की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है और हम दहशतगर्दी की जंग
जीत नहीं पा रहे। जी ठीक है, आहिद हसन सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और 9/11 के बाद मईशत पर असर पड़ने वाली सारी सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब आपको एक अफसोसनाक खबर देंगे कराची से, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी, जहाँ पर हॉक्स बे में साहिल पर नहाते हुए तकरीबन 12 अफराद हैं जो कि डूब चुके हैं, और ये 12 अफराद के हवाले से आपको बताएं कि ये जाबहक हो गए। इसी हवाले से इंतजामिया की लापरवाही कहें आप या फिर डूबने वालों की गलती कहें, लेकिन इस सानहे ने मुतासर खानदान में कोहराम सा बरपा कर दिया है। ये वाक़ अपनी नौयत का पहला वाक़ा नहीं है, बल्कि इससे कबल भी हमने देखा कि इस किस्म के कई वाक़ात पेश आते रहे हैं, लेकिन कभी कोई पेश की हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। जी हाँ, और वसीम अख्तर जो है इस हवाले से यही कहते हैं कि इंतजामिया की नाअहली है। कराची के साहिल हॉक्स बे पर पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले एक ही खानदान के 12 अफराद नहाते हुए डूब कर जाबहक हो गए। एक के बाद दूसरा डूबता गया, लेकिन रेस्क्यू के लिए की जाने वाली कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाबहक अफराद में 6 मर्द 3 खवातीन और 3 बच्चे 14 मई 2017 को 4 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए समंदर पर पहुंचे और फिर जरा सी गफलत से बेरहम लहरों का निशाना बन गए। लेकिन ना इंतजामिया को होश आया, ना ही लोगों को साहिल पर जाने से रोका गया। चंद रोज बाद 21 मई को सैंडस्पिट में पिकनिक मनाने के लिए आए दो नौजवान रेहान सलीम और हम्माद भी डूबकर जाबहक हो गए। रेहान की लाश को तो उसी वक्त निकाल लिया गया था, लेकिन हम्माद की लाश 22 मई को मिली। सवाल ये है कि इंतजामिया इन अफसोसनाक वाकयात के वक्त कहाँ होती है? हादसात से बचने के लिए सिर्फ दफा 144 पर इक्तफा क्यों किया जाता है, और समंदर पर रेस्क्यू एहलकारों, गोताखोरों और पुलिस की मौजूदगी को यकीनी बनाना किसका काम है? और आपने देखा कि किस तरीके से साहिल पर बेरहम लहरों ने 12 अफराद की जान ले ली। इस मुतासरा खानदान के दुख में आज टीवी भी शामिल है। इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी, जिन्होंने सारे सानिये को अपनी आंखों से मुस्तकिल तौर पर कवर किया है। आइए इनसे बात करते हैं। जी एहसन, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वाकये की अब तक कोई FIR दर्ज कर ली गई है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो माजी में होते रहे ये वाकयात, और उसके बाद कोई हिकमत अमली जो है वो इंतजामिया की जानिब से नहीं देखने में आई, जिसके बाद एक दफा फिर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। नॉर्थ कराची के रिहायशी फैमिली जो है वो पिकनिक बनाने तफरी की गर्ज से जब साहिल पर पहुंची तो वहां पे इंतजामिया की जानिब से मौसर इंतजाम ना होने के 22-23 लहरें जो है उनमें से 12 अफराद को अपनी लपेट में ले गई, और वहां पर जो है वो डूब के 12 के 12 अफराद जो है वो मौत की घाट उतर गए। जब ये इत्तला जी एहसन अब्बासी से हमारा राबता जो है वो मुनक़िता हो गया है, जैसे ही हमारा राबता होगा एहसन से हम दोबारा से एहसन से अपडेट्स लेंगे क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। एहसन, ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो लाइव गार्ड्स कहाँ होते हैं और कहाँ इनकी तैनाती होती है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी एहसन, उनसे आवाज कट रही है थोड़ी, लेकिन जैसे हमारा रब्ता उनसे दोबारा और इस वाक्य के ऊपर बातचीत करेंगे। इस वक्त हम देख रहे थे कि सबा जब ये वाक्य पेश आया है, इसकी वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल होगी और एक के बाद एक बचाने की कोशिश में लोग जा रहे हैं वहाँ पर, और ये सानहा इतना फैलता गया है और 12 अफराद जो है वो इसकी नजर हो गए, तो डेफिनेटली बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इस पर हम भी तफसीली तौर पर बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ तो एक कानून भी नाफिज किया गया है और कहा जा रहा था कि उस कानून को भी जो है वो प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं किया गया और इस तरह के वाकया जो है वो थम नहीं रहे, तो इन सब पर जो है मजीद बात भी करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तूफान अरमा ने मियामी का रुख कर लिया है, तो हर चीज बारिश की फुहार और हवाओं के दोष पर उड़ने लगी है। ऐसे में सहाफियों के लिए भी रिपोर्टिंग एक इंतहाई मुश्किल और दुश्वार टास्क होता चला जा रहा है, लेकिन सहाफियों को तो अपना काम करना ही है। इस इवेंट को कवर करने के लिए एक खातून रिपोर्टर साहिल पर पहुंची, फिर उनके साथ क्या हाल हुआ आइए आपको दिखाते हैं। सहाफियों को और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर सहाफत हो रही है उन तमाम सहाफियों को सलाम है जो इतने मुश्किल हालात में जहाँ से लोग भाग रहे होते हैं, तूफानों से दूर जा रहे होते हैं, वो वहाँ पर जाकर कवर करते हैं, उसकी फुटेज बनाते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, तो सलाम है मेरा ख्याल। बिल्कुल सलाम है, और सहाफियों की अगर बात की जाए तो सर्दी हो, गर्मी हो, खिजा हो, बहार हो, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जो है सहाफियों के लिए बिल्कुल बड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसी रिपोर्टिंग करने भी जाना होता है जहाँ पर कोई सुसाइडल अटैक हुआ होता है, जहाँ पर बहुत सारी बॉडीज होती हैं और जहाँ पर इतना ज्यादा
आहोबका होती है कि आप यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि अब जो परसों हादसा पेश आया कराची में, उसमें 12 लोग अपनी जानों से गए हैं, तो जितने सहाफी वहां गए, जितने सहाफियों ने वहां पर रिपोर्टिंग की, ये उनके लिए जो है बड़ी हिम्मत वाला काम था। एहसन अब्बासी मुस्तकिल वहां रहे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा वहां पर उन डेड बॉडीज को, बिल्कुल, और उनके लवाहिकीन को रोते हुए देखा। तो बड़ा मुश्किल काम होता है अपने आप को संभाल के, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके इस तरह की रिपोर्टिंग करना। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और पाकिस्तान और बिलखसूस कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हिफाजती इकदामात में आजकल जामा कराची पेश है, जिसकी वजह यह है कि एमके पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले के मुलजिम का ताल्लुक माजी में जामा कराची से रहा। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और अमले का डाटा सिक्योरिटी एजेंसी को देने की बात भी हो रही है। वाइस चांसलर जामे कराची डॉक्टर अजमल खान का मानना है कि कुछ लोग जानबूझकर कराची यूनिवर्सिटी को बदनाम करना चाहते हैं। ईद उल अजहा के रोज एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले में जामिया कराची के साबिक तालिब इल्म अब्दुल करीम सरोज के मुलव्वस होने ने कराची यूनिवर्सिटी के तमाम तुलबा व तालिबात के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी बढ़ाने और यहाँ दहशतगर्द अनासिर को पनपने से रोकने के लिए मुख्तलिफ इकदामात पर गौर किया जा रहा है, जिसमें दाखिले से पहले स्टूडेंट्स को मुतालिका पुलिस स्टेशन से NOC हासिल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इस किस्म के इकदाम से यूनिवर्सिटी को 100% सिक्योरिटी तो मुमकिन नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स के परेशान होने और थानों के चक्कर खाने से होने वाली परेशानी यकीनी है। दूसरी जानिब एक साबिक तालिब इल्म के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के बाएं से यूनिवर्सिटी के तमाम मौजूदा तलबा पर किसी भी किस्म का सिक्योरिटी इकदाम उठाना भी गैर मंतकी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और इस वक्त हालत जंग में है। हुकूमत और इंतजामिया को इदारों और शहरियों को महफूज बनाने के लिए इकदाम करना जरूरी है, लेकिन इसमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि किसी गैर जरूरी इकदाम से शहरी मजीद परेशानी में मुब्तला ना हो। कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले हजारों तलबा के लिए NOC लेना यकीनन एक वक्त तलब अमल होगा, और इसमें पाकिस्तानी थाना कल्चर को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स के लिए ये काम चोटी सर करने के बराबर ही है। इस पर खुद कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने क्या कहा है, गुड मॉर्निंग आज की टीम ने उनसे बात की है, आइए आपको भी सुनना। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को जो है ना अपनी सिक्योरिटी मेकनिज़म ठीक करनी चाहिए। ये जो स्टेप है इसमें सिर्फ पुलिस वालों की कमाई होगी, 500-600 रुपए वो लेके करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे और वो तो हर किसी बंदे को दे सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसे है। तो एक स्टूडेंट के लिए सबको मतलब कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, और सिक्योरिटी मेकनिज़म अपने तरीके से मतलब जो उनका जो अपना तरीका होता है उस तरीके से सही बना जाए, ये तो मेरे ख्याल में इससे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। किसी एक स्टूडेंट की वजह से आप पूरी यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं दे सकते। दूसरा, अगर वेरिफिकेशन चाहिए तो ये तो यूनिवर्सिटीज़ का काम तो नहीं है, ये तो जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनको पास खुद इस किस्म की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनको इस किस्म की यूनिवर्सिटी से रब्ता करने की ज़रूरत ना पड़े। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स की वेरीफिकेशन और इस सब में बहुत स्टूडेंट्स को बहुत क्वारी करनी पड़ती है। अब एक और उन्हें क्वारी करनी है, लाइक ID कार्ड है ना हमारे पास, तो वो काफ़ी है, नादरा से हमारा ID कार्ड बना हुआ है, तो वो वाला जो नादरा से बनने का प्रोसेस है उसको फ़िल्टर करना चाहिए, एज़ कम्पेयर टू कि स्टूडेंट्स की ख्वारी और बढ़ा दें कि उन्हें ये भी करें, वो ये भी करें, वो अपनी थाने से वेरिफिकेशन भी कराएं। ये स्टेप अच्छा है कि स्टूडेंट्स से वेरिफिकेशन ली जाए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स यहाँ से ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं कराची यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी के मुताबिक इस तरह के एक सिम्टम्स यहाँ पर हैं कि स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करके यहाँ भेजा जाता है अपने टारगेट अचीव करने के लिए। यूनिवर्सिटी में अपना भी सिक्योरिटी सिस्टम है। दूसरी बात कि बिल्कुल स्टूडेंट्स को अपना एक NOC या इस तरह के सर्टिफिकेट्स अपने पास रखने चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो शो करें। इससे ये होगा कि आपके सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी जो लॉ ऑफिसर्स है वो और आपके दरमियान कम्युनिकेशन कायम रहेगा, कोऑपरेशन होगी, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं कि इस तरह के अगर मेजर इम्प्रूवमेंट्स की जाएँ तो कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो होगी, गलत डिसीजन लिए इंतजामिया ने, क्योंकि 28,000 तालिबे इल्म पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, तो इस डिसीजन का मतलब ये कि लड़कियों को भी थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हमारी पुलिस और जितने भी इदारे हैं किस तरह के सबको मालूम है। सेकेंडली ये कि 30 साल से जो हमारे खुफिया एजेंसी के इदारे हैं जैसे रेंजर्स वगैरह, तो यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रही है, तो जब उनके इल्म में ये बात नहीं थी कि ये सब कुछ हो रहा है,
तो अब तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, अब तो हो गया जो होना था। बुरे लोग हर माशरे में हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टूडेंट्स को ज़दोकोप का शिकार किया जाए, सबको तंग किया जाए, सबको अब्यूज़ किया जाए। इसका नतीजा ये होगा कि स्टूडेंट जो होंगे केयू का जो इमेज होगा वो बहुत। आपने सुना कि कराची यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपके इदारे के बारे में, आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं उस हवाले से अगर कोई इस तरह की बात सामने आती है तो बिल्कुल अफसोस की बात है, क्योंकि एक इंसान का कसूर या दो इंसान का कसूर आप पूरी यूनिवर्सिटी के लोगों को जो है ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी में इस तरह की तंजीमें हैं या पूरी यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों के माइंड सेट इस तरीके से हैं। तो एक्सट्रीमिज़म का ताल्लुक जो है वो किसी यूनिवर्सिटी या उसमें पढ़ने वाले तमाम तलबा से नहीं होता, वो एक दो मुख्तलिफ लोग होते हैं, एक दो माइंड सेट के लोग होते हैं की सज़ा आप पूरी यूनिवर्सिटी को नहीं दे सकते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में बहुत ज़बरदस्त जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उनके तलबा उनके असातज़ा बहुत ज़बरदस्त हैं और इसका एक नाम रहा है एक अरसे से। बिल्कुल ऐसे ही, और सबा जब कहते हैं ना कि एक ही मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। और इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो इन मामलों में सफ़र करना शुरू कर देते हैं। खैर यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे और बहुत सी और स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। और काबिलियत ने मुसलमानों को एक अलग वतन पाकिस्तान दिया, लेकिन उनके बाद मुल्क करता धरता पाकिस्तान को इस मुकाम तक ले जाने में नाकाम रहे। जिसका ख्वाब बानी पाकिस्तान ने देखा था। कायदे आजम की शख्सियत के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है कराची यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टडी सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर जाफर साहब। डॉक्टर साहब वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज फरमाएगा पाकिस्तान के बानी कायद आजम की शख्सियत के हवाले से कहा जाता है कि तहरीक आज़ादी के तमाम रहनुमाओं से अलग और मुनफरद थी। उनकी शख्सियत में ऐसा क्या था कि उन्हें सबसे मुनफरद कहा जाता था? देखिए कायद आजम की शख्सियत और उनकी क्यादत हिंदुस्तान में जो रवायती मुस्लिम क्यादतें हैं उससे बिल्कुल हटके थी। कायद आजम से पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो सियासी क्यादत मिल रही थी या समाजी क्यादत मिल रही थी वो दो हलकों से आती थी। एक तो समाजी अशराफिया थी जिसमें बड़े ज़मींदार, जागीरदार, रियासतों के नवाब ये लोग होते थे जो मुसलमानों की नुमाइंदगी गोया कर रहे होते थे। दूसरी जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन होती थी या लीडरशिप थी वो उलमा के हलकों से आती थी, दीनी मदारिस थे और इसी तरह के जो मजहबी हलके थे वहाँ से उलमा मुसलमानों की क़यादत फराहम कर रहे होते थे। कायद आज़म का ना तो ताल्लुक़ इस समाजी अशराफिया से था और ना उस मजहबी अशराफिया से था। कायद आज़म एक बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज के लीडर थे जो एक मिडिल क्लास से निकल के आए। उन्होंने बाहर जा के तालीम हासिल की और मगरबी इदारों से वाफियत हासिल की, उनके सियासी तरीक़ों को समझा और फिर हिंदुस्तान आए और आन के यहाँ पर उन्होंने सियासत करनी शुरू की। जिस चीज़ ने उनको मुसलमानों के लिए एक एक काबिल कबूल बनाया और इतना हर दिल अजीज़ लीडर बनाया वो कायद आज़म की जो एक इंटेग्रिटी थी, उनकी शख्सियत का एक करप्ट ना होना और उनका ये इमेज कि ये शख्स जो कुछ कह रहा है या कर रहा है ये कोई अपनी ज़ाती मफाद में नहीं कह रहा बल्कि ये अपनी कम्युनिटी के लिए ये बात कर रहा है, यह हमारा मुकदमा लड़ रहा है, तो इस चीज़ ने उनको लोगों के लिए काबिल कबूल बनाया। हालांकि हम जानते हैं कि कायद आज़म का अपना तर्ज बुदमान, उनका अपना तर्ज रिहाइश, उनकी ज़ुबान, ये सब चीज़ें आम मुसलमानों से बहुत मुख्तलिफ थीं, लेकिन वो आम मुसलमानों के लिए बहुत काबिल कबूल यूँ थे कि एक आम मुसलमान का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद था, ट्रस्ट था। अच्छा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के बाद हमने देखा कि मुल्क के इंतजामी मामलात में ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हुई, इसकी वजह क्या है? क्या उनकी मौजूदगी का खौफ ख़त्म हो गया था या फिर उनकी जो हिकमत अमली थी, उनके जो इंतजाम थे, उनकी सलाहियतें इतनी बेहतर थी कि उसके बाद फिर उस तरह से कोई कवर अप नहीं कर सका, मामलात ख़राब होना शुरू हो गए? देखिए पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म सिर्फ 13 महीने जिंदा रहे और उसमें से भी कई महीने ऐसे थे कि वो साहिब फराश थे और ज़ियारत में मुकीम थे, लेकिन जितना अरसा भी वो एक्टिव रहे और कराची में दारुल हुकूमत में उनकी मौजूदगी रही तो एक तो उनकी शख्सियत का इतना दबाव था, दबदबा था और फिर
ظاہر ہے کہ اس زمانے کے جو سیاستدان تھے وہ ضرورتاً بھی اور فطرتاً بھی ان کو فالو کرنے کے پابند تھے, لیکن تھوڑی بہت گڑبڑ شروع ان کی زندگی میں ہو چکی تھی جب ہم نے یہ دیکھا کہ بیوروکریسی نے قائد اعظم کے بعض احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا, یا یہ کہ بیوروکریسی نے ان کے فرامین کو سمجھے کہ منور کرنے کی کوشش کی. قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر جو ہے اس کو بھی سینسر کرنے کی کوشش کرنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, لیکن یہ چیز پھر کامیاب نہیں ہو سکی اور بہرحال ان کی تقریر بعد میں رپورٹ ہوئی مکمل طور پہ. اچھا پروفیسر صاحب, یہ بتائے گا کہ اگر ہم بات کریں قائد اعظم کی, تو انہوں نے مسلم لیگ جب جوائن کی تھی تو اس وقت مسلمان بڑے بکھرے ہوئے تھے, بڑے منتشر تھے, ان کی لیڈرشپ میں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی کیا چیز تھی جو انہوں نے خطے میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے جمع کیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے, اسے قائد اعظم کی جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے اس پر ہمیں بات کرنے کی گنجائش ملتی ہے. دو چیزیں قائد اعظم نے کی, ایک تو یہ کہ کیونکہ ہندوستان میں 1919 کے بعد سے سیاست صوبوں کی طرف منتقل ہو گئی تھی, تو قائد اعظم نے مسلمان صوبوں کے جو مفادات ہیں ان کے حوالے سے بات کرنی شروع کی, صوبائی خود مختاری کی بات کرنی شروع کی, اور جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں ان کی تعداد بڑھانے کی بات کی. دیکھیے 1919 میں صرف پنجاب اور بنگال دو مسلم اکثریتی صوبے تھے, لیکن قائد اعظم اور مسلم لیگ نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے صوبہ بنایا جائے, بلوچستان کو صوبہ بنایا جائے, سرحد کو صوبہ بنایا جائے. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مسلم اکثریتی صوبوں کی تعداد بڑھے, اور پھر مزید انہوں نے جو مسلم جب یہ مسلم اکثریتی صوبے ان میں سے سندھ اور سرحد بھی بن گئے, تو انہوں نے یہاں کی مقامی قیادتوں کے ساتھ, صوبائی قیادتوں کے ساتھ بہت سمجھیے کہ سیاسی معنوں میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیل کیا, ان کے وہ اپنے پلیٹ فارم پہ بھی لے کے آئے, ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے, اور یوں ان کو صوبوں کے لیے بھی قابل قبول بنایا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب 1937 کے الیکشنز میں مسلم لیگ کو کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی, تو اس کے بعد سے مسلم لیگ کو عوامی جماعت بنانے کی کوششیں کی گئیں, اور خاص طور سے 1940 کے عشرے میں جس طرح سے ماس موبلائزیشن کی گئی اور اس کے لیے جو سماجی اور سیاسی ادارے تھے ان کو استعمال کیا گیا, جس طرح سے پریس کا استعمال کیا گیا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی پولیٹیکل اسکلز کیا تھیں, وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کو مینیج کرنے کی کتنی اچھی صلاحیتیں رکھتے تھے. اچھا, قائد اعظم کی اسکلز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا, لیکن قائد اعظم کے بارے میں کچھ ناقدین یہ بات بھی کہتے ہیں کہ وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اس بحث کو غیر ضروری طور سے بہت آگے لے جاتے ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم سیکولر سے مطلب کیا لیتے ہیں. جی, بدقسمتی سے ہمارے یہاں سیکولرزم کا ترجمہ لادینیت کر دیا گیا ہے. اب اگر اس کا ترجمہ لادینیت ہے تو ظاہر ہے کہ نہ قائد اعظم لادینیت چاہتے تھے اس ملک کے اندر, نہ کوئی اور کامن سینس رکھنے والا شخص یہ کہے گا کہ اسے لادینی ملک بنا دیا جائے. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سیکولرزم کا مطلب لادینیت نہیں ہے, اور اگر لادینیت نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اپنے آپ کو مذہبی جھگڑوں سے اور مذہبی مناقشوں سے آزاد رکھے, اور ریاست کی نظروں میں, ملک آئین کی نظر میں تمام شہری برابر ہوں, قطع نظر اس کے کہ ان کا مذہب کیا ہے, مسلک کیا ہے, نسلی تعلق کس گروہ سے ہے, اور ریاست تمام شہریوں کو ایک ہی نظر سے اگر دیکھ رہی ہے, تو یہ قائد اعظم کا مدعا تھا, یہی ان کا پاکستان کا ایک سمجھے کہ تصور تھا. اور اگر یہ سیکولر ہے تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی باق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سیکولر تھے, لیکن اگر آپ کو سیکولرزم کا لفظ ہی ناپسند ہے لیکن اس مفہوم سے آپ اتفاق کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ پاکستان کو ایک ایسا ملک بنائیں
جہاں ریاست شہریوں کو برابر شہری کے طور پر دیکھتی ہو اور ان کے مذہبی اور مسلکی اختلافات ریاست ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفر, آپ ہمارے ساتھ تھے اور قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے خاص طور پر ہم بات کر رہے تھے. یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. اسی حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست یہ سنتے ہیں. تیار ہیں, سپریم کورٹ میں جمع ہیں, جس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور میں یہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ اپنی رائے دی, اپنی دلیل دی کہ جو کاغذات وہ جمع کرائیں گے وہ اکبر اس بابر کو نہ دیے جائیں. آپ اندازہ لگائیے کہ میں نے یہ کیس کیا ہے, اسی کیس کے ذریعے یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ اکاؤنٹس مجھے نہ دکھائے جائیں, جبکہ جو کاغذات انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں وہ تمام کاغذات میں دیکھ چکا ہوں اور میرے مکمل علم میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو کاغذات جمع کرائے ہیں وہ بوگس ہیں, وہ جعلی ہیں, وہ نامکمل ہیں. اور میں یہ تصدیق سے کہتا ہوں کہ ان اکاؤنٹس میں, ان کاغذات میں اکاؤنٹ تو ایک بھی نہیں ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف نے مشرق وسطی, سعودی عرب سے جو ان کے دوست ہیں ذوالقرنین علی خان جو وہاں پیسے جمع کرتے ہیں عمران خان کے اور ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجتے ہیں, اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے. جو دبئی سے عمران خان کے دوست ہیں عمران چودھری جو وہاں پیسے جمع کرتے ہیں اور ہنڈی کے ذریعے بھیجتے ہیں, اس کی کوئی تفصیل نہیں. برطانیہ میں جو پاکستان تحریک انصاف نے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں لوائڈز بینک میں اور وہاں سے کروڑوں پاؤنڈ اور روپے یہاں بھیجتے ہیں, جس کی کوئی تفصیلات الیکشن کمیشن میں نہیں ہے, اس کی کوئی تفصیل نہیں جمع کرائی سپریم کورٹ میں. اسی طرح یہ تمام معاملات جو ہیں, جو اکاؤنٹس ہیں, میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں اور یہ تمام حقائق ان کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے جو ریکارڈ جمع کرایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جعلی ہے, بوگس ہے, انکمپلیٹ ہے, نامکمل ہے, اور وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ کو, اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. اور میں اس کے لیے خود ذاتی طور پہ سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں تمام حقائق اور ثبوت کے ساتھ. تو آج جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے دوبارہ اپنے اکاؤنٹس نہ جمع کرانے پہ فیصلہ محفوظ کیا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ دو ڈھائی سال سے جو یہ معاملہ زیر التوا رکھا ہوا ہے, آج اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون کے مطابق بھرپور کارروائی کرے گی. اور ہمارے وکیل نے جو تفصیلات بتائی ہیں کہ اکاؤنٹس ہم نے کیا مانگے ہیں, ہم نے وہ اکاؤنٹس مانگے ہیں جس پہ پاکستان تحریک انصاف پیسے جمع کرتا ہے اسلام آباد میں, ہم نے وہ اکاؤنٹس مانگے ہیں جس کے جو ان کے ذات جو پی ٹی آئی کے ملازمین ہیں جن کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے ہنڈی کے ذریعے آئے, ان کی تفصیلات مانگی ہے. ہم نے مانگا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو امریکہ میں, یو کے میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, مڈل ایسٹ میں, جہاں جہاں یہ فنڈ ریزنگ کرتا ہے, اس کی تمام تفصیلات جمع کرائے جس سے وہ قاصر ہے اور جو وہ جمع کرانے سے انکاری ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فنڈنگ مافیا بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف, اور عمران خان اس مافیا کے سربراہ ہیں, اور یہ تمام دنیا سے یہ پیسہ جمع کراتے ہیں. جیسا کہ وہ کل عمران خان گئے ہیں لندن, تو جس شخص کی بیٹی کی شادی پہ گئے ہیں وہ مسرت صاحب, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ذاتی دوست کے علاوہ وہاں فنڈز جمع کرتے ہیں اور ان کی فنڈنگ کے معاملات کو سنبھالتے ہیں. وہاں ان کی تفصیلات یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور پاکستان تحریک انصاف کی آڈٹ رپورٹ میں کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے. تو یہ بڑا ایک مافیا بن چکا ہے فنڈنگ کا, اربوں روپے کی یہ گیم ہے, اس میں غبن ہے, اس میں غیر قانونی ذرائع ہیں, اور یہ تمام جو نیٹ ورک ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آج بالآخر جو فیصلہ حکم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آئے گا پاکستان تحریک انصاف کی نان پروڈکشن آف ڈاکومنٹس کے حوالے سے, وہ ایک فیصلہ کن فیصلہ ہوگا, اور ہم اس پہ مزید اب یہ کیس جو ہے
چند ہفتوں میں چند مہینوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے منتقل پی ٹی آئی کے رہنما اکبر صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی پر پارٹی فنڈنگ کیس کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں بالکل اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کافی سخت الفاظ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ اوور آل جو پی ٹی آئی کی کیا قیادت ہے اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ عمران خان کے کافی اگینسٹ ہو رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گلالئی نے بھی کافی سخت زبان استعمال کی تھی عمران خان کے لیے اور اب ہم نے دیکھا کہ اکبر اس بابر نے بھی جو ہے اس طرح کی زبان استعمال کی ہے تو جناب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ تو محفوظ کر لیا گیا ہے اب آگے اس فیصلے میں کیا ہوتا ہے جی ہاں تو اسی کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آج بہت سی اسٹوریز ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی بہت سے ایشوز پر بات چیت کی ان شاء اللہ کل کچھ نئی اسٹوریز ہوں گی کچھ نئی باتیں بھی ہوں گی اور کل جو ہے وہ ہم نئے مہمانوں کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ایسے ہنستے رہیے مسکراتے رہیے اور دیکھنا مت بھولیے کی watching. Good morning, guys.